अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास आपके लिए आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा तो बच्चों मुझे बताएं कि ये क्या है? ये शेर है। शेर शेर जंगल का बादशाह होता है। शेर बहुत ताकतवर होता है, ये गोश्त खाता है। हम इसे चिड़ियाघर में भी देखते हैं और इसे टीवी पर भी देखते हैं। ये बहुत ही ताकतवर होता है और ये बहुत तेज़ भागता है। क्या आपने इसे टीवी पर देखा है या चिड़ियाघर में? ये बहुत ही तेज़ भागता और गोश्त खाता है। अच्छा तो बच्चों अब मुझे बताएं कि ये क्या है? ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च एक सब्ज़ी होती है। इसका सालन बनता है। इसके दो कलर होते हैं, ये पीले कलर का भी होता है और हरे कलर का भी होता है। इसका सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। अच्छा तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं किताब की तरफ कि आज हमारे लिए किताब में कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो हम आज सीखेंगे और पढ़ेंगे। सरहाबे उर्दू, हरूफ़ तहजी और ज़हीरा अल्फाज, क्लास प्ले। चले तो किताब खोलते हैं। अच्छा तो बच्चों पेज नंबर 47 में हम आज पढ़ेंगे, पेंसिल फिरेंगे, रंग भरेंगे और दायरा लगाएंगे। क्या आपको पता है कि ये क्या है? ये शलजम है। शलजम एक सब्ज़ी होती है जिसका हम सालन बनाते हैं और सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये शलजम है। और क्या आपको पता है कि ये क्या है? ये शितरमुर्ग है। शितरमुर्ग जंगल में रहते हैं और अक्सर हम इन्हें चिड़ियाघर में भी देखते हैं। ये बहुत ही बड़े होते हैं और ये बहुत ही तेज़ भी होते हैं। अच्छा तो बच्चों अब मुझे बताएं कि ये क्या है? ये शहद है। शहद हम अच्छा तो बच्चों शहद का जायका मीठा होता है। ये सर्दियों में काम आता है। जब बच्चों को सर्दी वगैरह लगती है तो हम बच्चों को शहद देते हैं। इसका जायका मीठा होता है और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। अच्छा तो बच्चों अब हम देखते हैं कि ये क्या है? ये शीन है। शीन की आवाज़ श है। श श श श श श। अच्छा तो अब हम लिखने का काम शुरू करते हैं। श श श श श श श अच्छा तो बच्चों अब हमने अपने लिखने का काम मुकम्मल किया। अब हम सरगर्मी करते हैं। इस तस्वीर पर दायरा लगाएं जिसकी शुरू की आवाज़ श है। श शरबत। अच्छा तो बच्चों अब हमने लिखने का काम मुकम्मल किया। अब हम कलर करते हैं। अच्छा तो बच्चों अब हम रंग भरते हैं। शलजम के ऊपर वाले हिस्से पर पिंक कलर होता है। और उसकी पत्तियों में ग्रीन कलर होता है। अच्छा तो बच्चों उम्मीद है कि आपको तलफ़्फ़ुज़ शीन इसकी आवाज़ श की समझ आ गई होगी और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ा होगा। अब बढ़ते हैं आगे वाले पेज की तरफ।
अच्छा तो बच्चों, पेज नंबर 48 में हम सरगर्मी करते हैं। बूझो तो जानो कि सरगर्मी में हम हरूफ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएंगे, गलत तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। अच्छा तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। शेर, शहद, शितरमुर्ग, शलजम। अच्छा तो बच्चों, अब हम रंग करेंगे। अच्छा तो बच्चों, अब हम शेर में रंग भरेंगे। अच्छा तो बच्चों, अब हमने रंग भरने का काम मुकम्मल किया। अब हम पेंसिल फेरेंगे। श, 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 श। अच्छा तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको तलफ्फुज़ शीन और इसकी आवाज़ शाह की समझ आ गई होगी। चले बढ़ते हैं आगे वाले पेज की तरफ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।